इंट्रोडक्शन ऑफ सी एस एस कि जी सी एस एस है क्या, चैप्टर नंबर 10 यार 9 जो चैप्टर नंबर 9 है ना वो हम उसको स्किप किया हमने गालबन अभी मैं भूल गया कि चैप्टर नंबर 9 कौन सा था, ज़रा एक दफ़ा मैं देख लूँ। ये चैप्टर नंबर 9 जो है ना फ्लैश वीडियो और ऑडियो, ये इसको हमने स्किप किया है। लेकिन जब वो जो सेक्शन बी वाली वीडियो आपने जब देखी होगी ना चैप्टर 8 की, तो उसके बाद जो है ना चैप्टर नंबर 9 में वीडियो और ऑडियो का जो टैग है ना वो भी मैंने ब्रीफली बहुत ब्रीफली उसको डिस्कस किया था, तो वो आपको उसमें नज़र आ जाएगा कि उसमें क्या बात हुई थी। तो वेल ठीक है जी, ओवरऑल जो चैप्टर नंबर 9 है उसमें एक तरीका उन्होंने डिस्कस किया है फ्लैश वाला, कि जी फ्लैश प्लेयर के ज़रिए ना वीडियो उसको कैसे प्ले करवाया जाए वेब पेजेस पे। तो वो फ्लैश प्लेयर क्योंकि अब आउट ऑफ डेट हो चुके हैं, अब HTML5 का प्लेयर इस्तेमाल होता है, तो HTML5 का जो ऑडियो और वीडियो का जो टैग है वो चैप्टर नंबर 9 में डिस्कस हुआ है। तो जस्ट वो वाला पार्ट आप देखना चाहें तो ख़ुद से देख लीजिएगा। हाँ नहीं, वो बहुत ब्रीफली इतना ही मैंने डिस्कस किया जितना अभी आपको बता रहा हूँ मैं ऑलमोस्ट, लेकिन उसको ये है कि वो टैग लगा के भी मैंने दिखा दिया था उस क्लास में। मगर वो मसला नहीं है, ऑडियो और वीडियो का जो टैग है ना वो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जब हम वीडियो प्लेस करना सीखेंगे ना तो वहाँ पे वो टैग दोबारा डिस्कस हो जाएगा, ऑडियो और वीडियो का दोनों। ठीक है, ऑडियो का टैग बहुत सारी जगहों पे यूज़ होता है कि जी कोई बटन के क्लिक पे आपने कोई साउंड प्ले करना है अगर, है ना, कि जी बटन पे क्लिक करें तो टिक 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 आवाज़ आए, तो वो टिक की साउंड होता है उसको ऑडियो के टैग के ज़रिए ही आपने प्ले करना होता है ना, तो वो कोई इशू नहीं है, वो इन फ्यूचर वो आएगा हमारे ना स्टडी में, रस्ते में आ जाएगा हमारे। अच्छा, तो यहाँ पे सबसे पहले इसने बात की है व्हाट CSS डज, और ये यहाँ पे बता रहा है कि जी व्हाट CSS स्टैंड फॉर, हाँ CSS स्टैंड फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। यार व्हाट CSS डज इसने कहाँ डिस्कस किया, हाँ ये यहाँ पे डिस्कस किया, इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट हाउ टू मेक योर वेब पेज मोर अट्रैक्टिव कंट्रोलिंग द डिज़ाइन ऑफ देम यूजिंग CSS। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि हम ना इस सेक्शन में, यानी इस सेक्शन का मतलब है कि चैप्टर नंबर 10 से लेके जो अब मजीद पूरा 18 चैप्टर इसमें है, यानी 7-8 चैप्टर हैं जो भी CSS के वो हमने पढ़ने हैं, इसमें ये बताएगा कि जी अट्रैक्टिव कैसे बनाना है आपके पेज को और अपने पेज के डिज़ाइन को कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, CSS अलाउ यू टू क्रिएट रूल्स that specify how the content of an element should appear। अब ये CSS क्या करता है, आपको allow करता है कि आप configuration कर दें उसकी, coding कर दें उसकी, कि जी कोई भी element है ना वो screen पे दिखेगा कैसा, नज़र कैसा आएगा। ठीक है, H1 पे जी heading तो बड़ी करके उसने दिखा दी H1 की, लेकिन अब उस heading में मज़ीद कुछ appearance में उसके changes करनी है अगर, तो वो CSS के ज़रिए करेंगे। For example, you can specify that the background of a page is a cream color, All paragraph should appear in grey color, ठीक है, with Arial typeface, Arial font में नज़र आए वो। तो इस तरह की जो changes हैं वो CSS के ज़रिए हम करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पर इन्होंने एक बात और भी की है कि controlling the design of your web page ना, तो अभी design पर भी हम आते हैं थोड़ी देर में कि जी ये design क्या बोला है। अच्छा, कह रहे हैं कि once you have learned how to write CSS rules, learning CSS mostly involve learning the different properties you can use in this chapter we will cover this। कह रहा है कि जी आप ना सबसे पहले जो इस बुक में ये कह रहा है मैं सिखाऊंगा आपको, वो ये सिखाऊंगा कि CSS के रूल लगाते कैसे हैं, सही है, CSS के रूल कैसे लगाते हैं। कह रहा है कि वंस आप ये सीख गए ना कि CSS के रूल लगते कैसे हैं, तो फिर बाकी का जो है ना वो यही होगा कि जी रूल हैं कौन कौन से, जैसे हमने HTML में भी इसी तरह देखा था कि जी हमने मार्कअप को समझ लिया, मार्कअप लगाना सीख लिया, उसके बाद का जो सारा प्रोसेस था हमने उसके बाद जितने भी चैप्टर्स पढ़े उसमें यही था कि जी अच्छा कौन कौन से मार्कअप्स हैं और हर मार्कअप को लगाने का थोड़ा थोड़ा सा जो डिफरेंस है एक दूसरे से वो हमने देखा है बस, कोई इतना ख़ास उसमें फिर ना कोई समझने वाली चीज़ को रॉकेट साइंस इतनी बची नहीं थी ना। तो CSS में भी सेम इसी तरह है कि जी रूल लगाना वंस आप सीख गए तो जी फिर वो कौन कौन से रूल होते हैं ना जस्ट आपने वो देखना है। अच्छा आ जाते हैं जी, अब ये इसने एक वेब पेज बनाया है जिसमें आप देखें हेडिंग का कलर चेंज है, पैराग्राफ का कलर भी चेंज है, बैकग्राउंड वाइट है, वाइट नहीं है आई थिंक, बैकग्राउंड भी इसने क्रीम किया है क्योंकि
इस वाले से डिफरेंट है, ठीक है। और ये जो ऊपर एड्रेस बार दिख रहा है इससे भी थोड़ा सा डिफरेंट नीचे वाला शायद है। वेल अच्छा, अब ये बात इसने की है कि जी अंडरस्टैंडिंग सीएसएस, सीएसएस का जो रूल ये लगाना सिखा रहा है ना, उससे भी पहले इसने एक बात की है कि सीएसएस को ज़रा समझ लें कि ये चक्कर है क्या, ये कैस्केडिंग स्टाइल शीट ये क्या चक्कर है। तो इसके लिए जो है ना, मैं इसको बना देता हूँ 2 पेज। 2 पेज व्यू कैसे आएगा ये रहा। अच्छा जी, ये मैंने 2 पेज बना दिया व्यू, जैसे बुक में होता है ना कि एक पेज इस तरफ होता है दूसरा पेज इस तरफ होता है, क्योंकि ये पेज इन्होंने बनाया इस तरह है, बुक में ये सामने सामने दिखता है। यहाँ पे इसने ये बात की है कि जी यार, द की टू अंडरस्टैंड हाउ सी एस एस वर्क इज़ टू इमेजिन दैट देयर इज़ एन इनविजिबल बॉक्स अराउंड एवरी एलिमेंट। कह रहे हैं कि जी थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स, आप ऐसे सोचें इसको, ये आपको पेज दिख रहा है HTML का, आप अपने जहन में इसको इमेजिन करें और अपने जहन में आप सोचें कि हर चीज़ एक बॉक्स है। इस पेज में जितने भी एलिमेंट हैं हर एलिमेंट एक बॉक्स है। अच्छा, इनविजिबल बॉक्स बना हुआ है, देखिए जो हेडिंग लगी है इसके सराउंडिंग में एक इनविजिबल बॉक्स है, फिर ये पैराग्राफ है जो पैराग्राफ के सराउंडिंग में एक इनविजिबल बॉक्स है, फिर इस पैराग्राफ, तो ये एक बॉक्स, दो बॉक्स, तीन बॉक्स और ये चार बड़े बॉक्सेस हो गए। अच्छा, अब ये जो पैराग्राफ के बॉक्स में आप आएंगे ना, तो इतना पार्ट देखें इटैलिक हुआ हुआ है, तो ये एक बॉक्स और है यहाँ पे, ठीक है, इस पैराग्राफ के बॉक्स के अंदर ये बॉक्स है। अच्छा, इसी तरीके से एक अंडरलाइन हुआ हुआ है यहाँ पे, तो ये भी एक बॉक्स है इसके अंदर। अच्छा, इसको इन्होंने देखें यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया है बना के, तो कुछ इस तरह से जो है ना ये मामला इसमें चल रहा है। ठीक है, तो इसने कहा कि जी थिंकिंग इनसाइड द बॉक्स, आप हर चीज़ को ना एक बॉक्स की तरह सोचें, आप बॉक्स की तरह देखें। यहाँ पे क्या बात लिखी है इन्होंने कि जी ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द पेज यू कैन सी सेम HTML पेज बट आई हैव एडेड आउटलाइन टू ईच ऑफ द एलिमेंट दैट सो यू कैन सी हाउ CSS विल ट्रीट ईच एलिमेंट इफ इट लिव्स इनसाइड इट्स ओन बॉक्स। अब ये जो बता रहे हैं ना कि आप इमेजिन करें हर एलिमेंट एक बॉक्स है, तो वो कह रहा है CSS इसको इस तरह से ट्रीट करेगा कि जी ये जो है ना हर एलिमेंट एक बॉक्स है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस पे आके बोलूँगा ना कि एक लगा दो बॉर्डर, इस हेडिंग पे एक बॉर्डर लगा दूँगा मैं, तो बॉर्डर ये इस जगह पे आके लग जाएगा, ठीक है। या मैं बोलूँगा कि यार इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दो, तो ये जहाँ तक इसका बॉक्स जा रहा है ना यहाँ तक इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अच्छा, अब यहाँ पर इसने बताया है कि जी CSS का जो है ना रूल बनता कैसे और वो लगता कैसे। अगर CSS associates style rule with HTML elements, अब ये क्या कह रहा है कि HTML का कोई एलिमेंट हम देखते हैं और उस एलिमेंट के साथ हम क्या कर देते हैं, एसोसिएट कर देते हैं स्टाइल का रूल। अच्छा, क्या है भाई, CSS work by associating the rules with HTML elements. These rule govern how the content of a specified element should be displayed. अब ये रूल जो है ना इसकी गवर्नमेंट होती है, ये गवर्न करता है, ये हुकूमत करता है कि जी आप ना जो उस कंटेंट के ऊपर जो रूल लगाएंगे उस हिसाब से वो अपेयर हो जाएगा। अ CSS रूल कंटेन्स टू पार्ट, अ सेलेक्टर एंड अ डिक्लेरेशन। अब कुछ इस तरह से होगा, ये जो P लिखा हुआ है ये सेलेक्टर है, और इसमें जो फॉन्ट फैमिली लिखा हुआ है ये, और एरियल जो लिखा हुआ है ये पूरा पार्ट डिक्लेरेशन है, ठीक है। एक सेलेक्टर एक डिक्लेरेशन, इसको मिला के क्या बना, एक CSS का रूल बना। अच्छा, CSS को लगाने के जो डिफरेंट तरीके हैं, अच्छा इसी तरीके से यहाँ पे देखें एक और इन्होंने ना बताया हुआ है कि जी ये तो हमने देख लिया कि जी क्या है, ये सेलेक्टर है और ये इसकी डिक्लेरेशन है और ये भी इसकी डिक्लेरेशन है, तो इसमें दो डिक्लेरेशन लगा दी इसने। अच्छा, लेकिन कह रहे हैं अब डिक्लेरेशन में क्या होता है, पहले वाले को प्रॉपर्टी कहते हैं दूसरे वाले को वैल्यू कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कलर है, कलर एक प्रॉपर्टी है, उसकी जो पॉसिबल वैल्यूज़ है ना वो सर्टन पॉसिबल वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इसी तरह फॉन्ट फैमिली है, उसमें एरियल लिखा है इसमें,
अब इसी तरह फॉन्ट साइज़ होगा, फॉन्ट साइज़ में मुझे पिक्सल में उसको देना पड़ेगा फॉन्ट साइज़ कि जी कितने पिक्सल का फॉन्ट नज़र है। तो हर प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कुछ सर्टेन वैल्यूज़ हैं जो आप पास कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी है, मिसाल के तौर पे एच वन पे जो है वो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई हो सकती हैं, बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज़, ये सारी चीज़ें एच वन पे अप्लाई हो सकती हैं। बट एक टेबल है उसके ऊपर कुछ और भी ऐसी चीज़ें जो अप्लाई हो जाती हैं जो एच वन पे नहीं होती, जैसे कि सेल स्पेसिंग वगैरह। तो अभी हम वो देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता कि कौन से वाले पे ना कौन सी लगती है सीएसएस की फाइल। अच्छा, अब ये यहाँ पे ना इस पॉइंट पे बता रहा है, इसको मैं वापस अब वो वाला कर देता हूँ कंटिन्यूस स्क्रॉल, कि सीएसएस को ना लगाना कैसे, अब कोडिंग करके बता रहा है। तो कोडिंग ज़रा यार हम भी इसकी कर लेते हैं। HTML बना लेता हूँ, ये सारा उठा के ना अड़े। ठीक है, पहले का सारा कोड जो था उन्हें HTML करके फोल्डर था उसमें डाल दिया, अब मैंने एक दूसरा फोल्डर बना लिया CSS के नाम से। इस सी एस एस के अंदर ना मैं नया प्रोजेक्ट बनाने लगूँ, मैंने कहा कि जी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, सही। और इसमें मैंने बेसिक ये एच टी एम एल लिख दिया, यहाँ पे आके एक हेडिंग लगा दी मैंने कि जी सी एस एस इंट्रोडक्शन। अब सी एस एस लगाने के जो है ना तीन तरीके हैं, तीनों हम देख लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा। नंबर एक तरीका तो ये स्क्रिप्ट का टैग, स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मैं क्या लिखूँगा, जैसे ये इंट्रोडक्शन टू सीएसएस लिखा हुआ है ना, मैं आऊँगा यहाँ पे और एच वन लिखूँगा सेलेक्टर, क्योंकि मुझे एच वन पे अप्लाई करना है तो मैंने एच वन लिखा है। और सेलेक्टर लिखने के बाद इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा दूँगा, कौन सी कलर की प्रॉपर्टी, ये क्या हुआ है, कुछ गड़बड़ की है क्या मैंने, सब सही तो लिखा है। अरे स्क्रिप्ट का टैग नहीं स्टाइल का टैग होता है, अभी तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या गया मेरे साथ। सही है, स्टाइल का टैग होता है, स्क्रिप्ट का टैग जो है वो जावास्क्रिप्ट के लिए होता है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट अभी हमने इस क्लास में नहीं पढ़ी है। मैंने कहा कि जी कलर, और कलर को कर दिया मैंने रेड, सही है, एच वन को मैंने रेड कर दिया। तो अब इसमें क्या मतलब हुआ कि जी एच वन सेलेक्टर है, कि जी किस एलिमेंट को सेलेक्ट किया जाए ये रूल अप्लाई करने के लिए, और ये एक डिक्लेरेशन है जो उसके ऊपर लगा दी गई है, ठीक है। और इस पूरे को मिला के ना CSS का रूल कहते हैं। अच्छा, अब जब मैं इस पेज को ओपन करूँगा, राइट क्लिक किया मैंने, कॉपी पाथ किया, और इसको जब मैं आके, अच्छा मुझे बुक चाहिए इस कोने में, सही है, तो ये मुझे ना रेड कलर से दिख गया। अगर मैं क्या कर देता हूँ, इस रेड कलर को मैं हटा देता हूँ, H1 को खाली छोड़ता हूँ, तो कुछ भी नहीं होगा ऐसा, ठीक है, जैसा दिखना चाहिए वैसा ही दिखेगा। अच्छा, इसी तरह कलर के साथ साथ मैं इस पर एक चीज़ और लगा देता हूँ कि जी बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड ब्लैक, तो ये इस पर बॉर्डर भी बना हुआ है, ठीक है, बॉर्डर पूरा कोने तक बना हुआ है। तो मैंने इस पर दो क्या कर दिया, स्टाइल अप्लाई कर दिया। अच्छा, तो नंबर एक तरीका ये है जो कि नॉट रेकमेंडेड, सही। अच्छा, अब नंबर दो तरीका देख लेते हैं। नंबर दो तरीका है इन लाइन सी एस एस, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया और मैंने कह दिया कि जो भी वहाँ लिखा था ना मैंने वही यहाँ पे लिखूँगा मैं, कलर इक्वल्स ब्राउन, सही है। जो मैं यहाँ पे बात लिख रहा था वही सेम यहाँ लिखूँगा मैं, और सेमी कॉलन डाल के मैं एक और लिख देता हूँ, मैं कह देता हूँ कि जी बॉर्डर वन पिक्सल सॉलिड ग्रीन, मिसाल के तौर पर, ठीक है, ये इनलाइन सीएसएस मैंने लिख दी, वही बात यहाँ पे इनलाइन लिख दी मैंने। और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखें आप वो वाला काम यहाँ पे हो गया, ठीक है जी। कलर जो है वो ब्राउन हो गया और उसका जो बॉर्डर था वो ग्रीन हो गया,
अच्छा, ये इन लाइन सी एस एस भी क्या है? नॉट रिकमेंडेड। सही। ये दूसरा तरीका हमने देख लिया, और अब हम देख लेते हैं नंबर तीन तरीका। तरीका नंबर तीन है अलग से फाइल बनाना। स्टाइल डॉट सी एस एस में नाम रखा हूँ, लेकिन इस फाइल का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ज़्यादातर लोग स्टाइल्स या एक और भी नाम इसके लिए यूज़ करते हैं, ये कि जी मेन डॉट सी एस एस समटाइम यूज़ करते हैं, अगर वो रूट पे पड़ी हुई है वो फाइल, तो मेन डॉट सी एस एस भी इस्तेमाल कर सकते हैं उसके लिए, या ऐप डॉट सी एस एस भी लिख देते हैं समटाइम। ठीक है, बिल्कुल कोई रेलिवेंट नाम ना हो, मुनासिब नहीं होता फिर वो, लेकिन ये है कि वो डॉट सी एस एस सिर्फ लगाना इसमें ज़रूरी है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे वही वाले सारे स्टाइल ना मैं यहाँ पे लिख दूँगा। एच वन मेरा सेलेक्टर है, और मैंने कहा कि एच वन पर जो है ना कलर आप कर दो इसका एक्वा कर दो कलर। ठीक है, तो इससे फॉन्ट का जो कलर है वो क्या हो जाएगा, एक्वा कलर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन ये अभी अप्लाई नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ, ये अप्लाई इस वजह से नहीं होगा। अच्छा, इसको भी मैंने कॉमेंट नहीं किया, जब ही तो रेड आ रहा है। ठीक है, ये हटा दिए मैंने सारे इस पर। अच्छा, ये अप्लाई इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने अपनी सी एस एस की जो एक्सटर्नल फाइल बनाई है उसका इस एच टी एम एल से कोई लेना देना नहीं है। हम तो एच टी एम एल को रन कर रहे हैं ना, हम सी एस एस की फ़ाइल को तो रन नहीं कर रहे, हम एच टी एम एल की फ़ाइल का हमने कॉपी पास किया और इस एच टी एम एल की फ़ाइल को हम रन कर रहे हैं। तो इस एच टी एम एल की फ़ाइल को ये नहीं पता कि भाई कौन सा स्टाइल है, कहाँ का स्टाइल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो स्टाइल जो लगाया था वो तो हमने वो कॉमेंट कर दिया, तो हम स्टाइल का टैग ऐसे लगाएंगे और इस पर एच रेफ लगाएंगे। एक मिनट, बुक में इन्होंने लिखा है ना एक्सटर्नल, ए का टैग नहीं, हाँ लिंक का टैग है, ए का टैग नहीं लिंक है, सही है, स्टाइल का टैग नहीं लिंक का टैग है, सही, ऑटोमेटिक ये एच रेफ आ गया इसके अंदर। अच्छा, डॉट स्लैश और स्टाइल डॉट सी एस एस। अच्छा, ये डॉट स्लैश लगाना ज़रूरी है क्योंकि लिनक्स में ना सिर्फ स्लैश और डॉट स्लैश, मतलब अगर आप ये डॉट हटा देते हैं तो इसका मतलब कुछ और है और डॉट स्लैश का मतलब कुछ और है। डॉट स्लैश का मतलब मैं समझा देता हूँ क्या है। डॉट स्लैश का मतलब है कि इस फोल्डर में जहाँ पे अभी हम मौजूद हैं वहाँ पे से स्टार्ट करो और वहाँ ही पे देखो स्लैश स्टाइल डॉट सी एस एस करके, तो ये इस तरह करके। तो अब ये स्टाइल शीट जो क्या हो गई है, मेरे एच टी एम एल को मैंने पहली लाइन में यहाँ पर बता दिया कि जी आपने ना इस स्टाइल को उठा के इधर अप्लाई कर देना। ठीक है, तो देखेंगे कि ये स्टाइल क्या हो जाएगी, अप्लाई हो जाएगा। ये मैंने एक्वा जो लिखा था, ये स्टाइल शीट में जो ये बात लिखी हुई थी ये वहाँ से उठ के अप्लाई हुआ है। ये वाले को मैंने क्योंकि कमेंट कर दिया तो ये अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, और इन लाइन सी एस एस को भी मैंने कमेंट कर दिया। तो ये तीन तरीके हैं सी एस एस को अप्लाई करने के जो हमने अभी देखे। अच्छा, अब ये जो सबसे बेस्ट ये वाला रिकमेंडेड है, ये जो अलग से स्टाइल बनी हुई ना, अलग से स्टाइल शीट, ये रिकमेंडेड है, बाकी जो दोनों हैं वो रिकमेंडेड नहीं है। अच्छा जी, तो ये इन्होंने लगाना बता दिया है यहाँ पर। इंटरनल स्टाइल जो हमने इंटरनल स्क्रिप्ट का टैग बना के लगाया था वो इंटरनल सी एस एस है। ठीक है, और इन लाइन सी एस एस जो है वो कौन सी है, तीनों के नाम बता देता हूँ। ये एक्सटर्नल स्टाइल शीट है, ये जो है वो इंटरनल है, और ये जो है वो इन लाइन है। अच्छा, सी एस एस सेलेक्टर्स, सी एस एस सेलेक्टर, अब देखें हमने ना क्या सीख लिया, हमने ये तो सीख लिया कि जी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सेलेक्टर, जो सेलेक्टर लिखेंगे उस पर अप्लाई होगा, ये किसी और पे नहीं होगा। ठीक है, अच्छा सेलेक्टर में आप क्या क्या लिख सकते हैं ना, ये एक सवाल है, सेलेक्टर में आप क्या क्या लिख सकते हैं। यहाँ पे कॉमा डाल के मैं किसी और एलिमेंट का नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, एच टू भी लिख सकता हूँ, जितने भी, अच्छा इससे होगा क्या, मतलब जितने भी एच वन है सब पे इस रूल को अप्लाई करेगा ये, और कॉमा डाल के मैंने एच टू भी लिख दिया तो इसका मतलब है कि जितने भी एच टू हैं सब पे इस रूल को अप्लाई करेगा ये पूरी वेबसाइट का, जितना जितने भी एच टू लगाएं और जितने भी एच वन लगाएं दोनों का मैंने नाम यहाँ लिख दिया। ठीक है सर, वेबसाइट एक पेज से ज़्यादा है तब भी सब पे चला जाएगा जब तक, देखें एक पेज से ज़्यादा होने की सूरत में ना, देखें मेरे पास अभी एक पेज है ये वाला, और लिंक
मैंने इसके इस पे स्टाइल शीट ये वाला किया हुआ। अच्छा, एक तरीका ये हो सकता है कि आपके पास अगर दो वेब पेजेस हैं ना अलग अलग, तो आप उसके लिए दो अलग अलग स्टाइल शीट बनाएं, ठीक है, ये हो सकता है। लेकिन आमतौर पर ऐसा किया नहीं जाता। ये वाला जो एक्सटर्नल स्टाइल शीट है ना, इसके रेकमेंडेड होने का मेन रीज़न यही है कि आपके पास अगर चार पेजेस होंगे HTML के, और तो आप क्या करेंगे, आप एक ही स्टाइल शीट बनाएंगे और वो चारों पेज के साथ आप उसको कनेक्ट करेंगे। अच्छा, और स्टाइल्स आमतौर पे जो स्टाइलिंग की जाती है ना, यहाँ पे जो स्टाइल के रूल लिखे जाते हैं, ये ऐसे किए जाते हैं, कैटेगराइज करके किए जाते हैं कि जी वो ना रीयूजेबल हो। हम ऐसा स्टाइल लिखते हैं जो क्या हो, रीयूजेबल हो। हम क्लासेस बनाते हैं और उस क्लास को हम अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अभी हम वो देखते हैं कि रीयूजेबल स्टाइल हम कैसे लिखने की कोशिश करते हैं। हम ऐसा स्टाइल बनाते हैं, ये वाला काम हम कभी भी नहीं करते कि जी सारा H1 जो है ना उसका कलर ये कर दो, सही है, ये काम हम कभी भी नहीं करते, ठीक है। ये काम सिर्फ उस सूरत में किया जाता है कि जी कोई वेबसाइट है उसका थीम ही ऐसा है। मिसाल के तौर पर अब अगर हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे W3 School पर हम जाते हैं, अब देखें इसका थीम ऐसा है कि जितनी भी हेडिंग है ना उसका कलर यही होता है, हेडिंग जितनी भी है सबका कलर यही होगा। तो शायद इस केस में मैं कर पाऊँ कि अच्छा जी जो हेडिंग वन है ना उसका कलर ये ग्रे कर, ठीक है, अदरवाइज़ ऐसा बहुत कम होता है। अच्छा, फिर इस अब ये क्या चीज़ है, ये क्या H5 है, H6 है ये, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्ली इसको क्या किया हुआ है, इन्होंने इसको एक दी भी क्लास दी भी है, इसको क्लास दी भी है टॉपिक, मिसाल के तौर पर ये हेडिंग है और ये है टॉपिक। अब टॉपिक जितने भी हैं सबका कलर एक जैसा है, तो वो इस तरह करके किया हुआ होता है। अब ये किसी भी पेज में आएगा ना ये टॉपिक, स्टाइल उस पर सेम ही अप्लाई होगा। तो हम स्टाइल जो हमारा लिखते हैं वो मॉड्यूलर अंदाज में लिखते हैं, रीयूजेबल अंदाज में लिखते हैं। हम ये वाला काम ना बहुत कम करते हैं कि जी इस नाम का सारा टैग ऐसे कर दो। अच्छा, तो जी हम सबसे पहले जो ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं ना ये वाला, इसको हम क्या कहते हैं, टाइप सेलेक्टर कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से क्लास सेलेक्टर होता है, डॉट करके लिखेंगे उसको, ठीक है, क्लास सेलेक्टर। अच्छा, मिसाल के तौर पे हम क्लास सेलेक्टर अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ, मैं लिखूँगा डॉट, मिसाल के तौर पे टॉपिक जो अभी हम वहाँ देख रहे थे, डॉट टॉपिक के ऊपर मैंने कह दिया कि जी कलर जो है ना आपका वो ब्लैक हो, लेकिन ब्लैक पूरा नहीं हो, ब्लैक से थोड़ा सा, क्योंकि उनका जो है ना थोड़ा ग्रे है, तो ये मैंने कर दिया। ये ऑटोमेटिकली इसने ये सजेशन मुझे जो ना VS कोड देता है। क्या करता हूँ मैं, इस पर हाथ रख के हल्का सा हवर करता हूँ, ये जो स्क्वायर बॉक्स बना हुआ है ना इस पर जस्ट मैं हवर करता हूँ, क्लिक नहीं करता, सही है, क्लिक करने से कुछ और गड़बड़ हो जाती है वो। तो मैं जस्ट इसको हवर करूँगा तो ये खुद ही आ जाएगा। अब इससे मैं कोई भी कलर सेलेक्ट करूँ ये ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कंट्रोल सेट करके मैं वापस उसको हल्के ग्रे में ले आया। तो अब जिस जिस एलिमेंट पे टॉपिक के नाम की क्लास लगी हुई होगी ना, सही है, उस पर ही अप्लाई हो जाएगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं लगा देता हूँ जी एक डिव लगा देता हूँ, मैंने कह दिया कि जी यहीं से टॉपिक उठा लेते हैं ना, यहीं से हम टॉपिक दो चार उठा लेते हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ कॉपी हो गई है ना, ये मैंने चार पांच जो है ना क्या कर दिया, डिफ पे ना सारी डिफ पे मुझे क्या देना है, क्लास, सही है, टॉपिक दे दिया मैंने उसको क्लास। अब इसमें ज़रा मैं जाके देखूँ ये दिखता कैसे है, अभी अभी ये ऐसा दिख रहा है, ठीक है, अभी ये ऐसा दिख रहा है, क्योंकि इस पे मैंने क्या किया है, ग्रे कलर अप्लाई कर दिया। अगर मैं किसी एक पे से ये क्लास हटाऊँगा ना तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। दोनों के कलर में देखिए डिफरेंस दिख रहा है, बहुत माइनर्स है लेकिन है, सही है, थोड़ा बेहतर कर देते हैं डिफरेंस को, डिफरेंस को क्या कर देते हैं थोड़ा सा और वाजे डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है, अब वाजे हो गया डिफरेंस थोड़ा मज़ीद, सही है। तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कहा टॉपिक की क्लास बनाओ, जितने टॉपिक हैं सब पे वो क्लास लगी हुई है, और उससे मैंने ऐसे करके लगा दिया। अच्छा, इसी तरह ID सेलेक्टर है, मैंने कहा कि भाई पिन आईडी के लिए हैश लगाना था, आईडी के लिए हैश है, इसके लिए डॉट है, आईडी के लिए हैश है। अच्छा,
अच्छा आईडी को हम क्या कर देते हैं, पिन पॉइंट करके हम उसको चीज़ को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। काम सारे इस पर सेलेक्टर जो, यानी सेलेक्टर को मैंने ये लगा दिया पिन पॉइंट वाला, लेकिन रूल सारे इस पर वही वाले लगेंगे। जैसे मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कलर कर देता हूँ मैं, मिसाल के तौर पर रेड कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं ज़्यादा वो अभी सिर्फ सेलेक्टर पे क्योंकि हम हैं, तो मैं ना कलर और बैकग्राउंड कलर पे ही घूम रहा हूँ, मैं ज़्यादा उसको कोई एडवांस किस्म की चीज़ नहीं लगा रहा, टू जस्ट कीप इट सिंपल। अच्छा अब यहाँ पे मैं आता हूँ और यहाँ पे आके ना इसी डिव में से किसी एक डिव पे मैं क्या कर देता हूँ, बल्कि नया डिव बना लेता हूँ, ठीक है। इस पर क्लास नहीं देता मैं, क्लास वाले को टॉपिक को हम अलग रखते हैं और इसको हम फिलहाल अलग रखते हैं। मैंने कहा यार आईडी आपकी जो क्या है पिन, ठीक है। अब नोट करें, अब यहाँ पे मैंने डॉट नहीं लगाया, यहाँ पे मैंने हैश नहीं लगाया, यहाँ पे नहीं लगा रहा, वो सीएसएस के अंदर से लगा। तो पिन पॉइंट करके ना मैंने क्या किया, दिस इज पिन पॉइंट एलिमेंट, इस एलिमेंट को मैं पिन पॉइंट करके इस पर कोई चीज़ अप्लाई करना चाहता हूँ। रिफ्रेश किया मैंने, देखें पिन पॉइंट वाला रेड हो गया, ठीक है। इस पर से ये आईडी हटा दूंगा मैं तो ये रेड होना बंद हो जाएगा, ठीक है। इस पर ये आईडी मैंने लगा दी तो ये रेड हो जाता है, ठीक है। इसलिए रेड हो जाता है क्योंकि स्टाइल शीट में लिखा हुआ है ये आईडी जिस पे भी हो ना उसका कलर रेड कर दो। अब लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये है कि इस आईडी को मैं अगर मैं चाहूँ ना कि मैं एक और एलिमेंट पे दे दूँ तो ये एचटीएमएल के अंदर इलीगल है, सही है। एचटीएमएल के अंदर ये क्या चीज़ है, अब यहाँ पे इसने ला के तो दोनों पे लगा दिया रेड, लेकिन एचटीएमएल में ये चीज़ मुनासिब नहीं है। अब ये करने से क्या होगा, क्या गड़बड़ होगी, वो हम जब जावास्क्रिप्ट में पहुंचेंगे ना तो उस वक्त हमें एक ख़ास इसका यूज़ केस है। इसके ज़रिए ना हम एलिमेंट, पूरे एलिमेंट को उठा के ले आते हैं। मिसाल के तौर पे फॉर्म फिल जब हो रहा होता है तो इनपुट बॉक्स, पूरा का पूरा इनपुट बॉक्स हम उठा के लाते हैं, उसके अंदर से टेक्स्ट को बाहर निकालते हैं जब फॉर्म का डेटा हम पकड़ने के लिए। तो फिर उसमें क्या होगा कि जी जब मैं उसमें से आईडी के ज़रिए एलिमेंट को गेट करूँगा ना तो वो मुझे पहला वाला लेकर आ जाएगा और दूसरा वाला मुझे कभी भी मिलेगा ही नहीं, सही है। अच्छा तो इस चीज़ से बचने के लिए हम, अच्छा HTML के अंदर एरर नहीं होते कोई, HTML और CSS में ना दो ही चीज़ होगी कि या तो वो एलिमेंट जिस तरह आप चाह रहे हैं उस तरह दिख जाएगा या तो वो गायब हो जाएगा, ठीक है। एरर नहीं होते, मतलब अगर मैंने आईडी दो पे भी लगा दिया तो ये एरर नहीं देगा, या तो ये कुछ ना कुछ करके उसको दिखा देगा, डिस्प्ले कर देगा, या तो उसको डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। उसका HTML के अंदर और CSS के अंदर किसी किस्म का एरर नहीं होता है कोई, तो इसमें एरर इसलिए मुझे ये नहीं दे रहा है। जावास्क्रिप्ट पे जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ पे ना फिर हमें एरर वगैरह देखने को मिलेंगे। अच्छा तो अभी हम ना क्या करते हैं कि जी, अच्छा एक यूनिवर्सल सेलेक्टर भी है, आप क्या करते हैं हैश स्टैरिक लगा देते हैं। स्टैरिक का मतलब है कि पूरे पेज में जो भी जितने भी सारे एलिमेंट हैं सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको तो हम खैर कभी भी यूज़ नहीं करते क्योंकि ये हर एलिमेंट पे ही, अगर मिसाल के तौर पर मैंने कलर किया रेड तो पूरी वेबसाइट में एक एक चीज़ का कलर वो कर देगा रेड, तो इसको हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसको आमतौर पे कभी इस्तेमाल करते हैं शायद तो स्टाइलिंग की शुरू में ना, सम टाइम क्या होता है कि कुछ एलिमेंट्स पे ना मार्जिन होता है थोड़ा सा। अब वो मार्जिन क्या होता है वो इस बुक में अभी आगे आएगा, तो सम टाइम ना कुछ एलिमेंट पे मार्जिन होता है तो हम सम टाइम स्टैरिक करके ना मार्जिन ज़ीरो करा देते हैं, बट मोस्टली हम क्या करते हैं इसको इस्तेमाल नहीं करते हैं, हम इसको अवॉइड करते हैं जी। हाँ नहीं नहीं स्टैरिक से क्यों लगाएंगे, बॉर्डर में इससे लगा दूंगा ना, टाइप सेलेक्टर से या क्लास सेलेक्टर से या आईडी सेलेक्टर से, ठीक है। तो मैंने चार सेलेक्टर भी फिलहाल हमने डिस्कस कर लिए। अच्छा ये चार सेलेक्टर डिस्कस करने के बाद ना आप लोगों ने क्या करना है कि अभी हमारे पास टाइम तो है, एक घंटा है, आधा घंटा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, जो सबसे पहला हमने असाइनमेंट बनाया था सीवी का, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, कलर अप्लाई करना है, ठीक है। जहाँ जो जो भी आपने उसमें टेक्स्ट ऐड किया हुआ है उन सब पे आपने क्या करना है, कलर अप्लाई करना है। और अगर मे भी किसी को पहले से थोड़ी बहुत सी, क्योंकि मेरी क्लास में मिनिमम की रिक्वायरमेंट होती है, मैक्सिमम की रिक्वायर, मैक्सिमम आप पर डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर किसी को और भी कोई CSS आती है तो उस पर वो भी अप्लाई करें, ठीक है। लेकिन पॉइंट हमारा क्या है अभी कि अभी हम जितनी CSS हमने पढ़ ली है ना कि जी स्टाइल शीट बना के और उसको कनेक्ट करना, ये ना स्टाइल शीट बना के उसको कनेक्ट करना, आईडी और क्लास का इस्तेमाल करना, ये इसका ज़रा हैंड्स ऑन हो जाए पहले, ठीक है। फिर हम उसके बाद ऑनवर्ड्स हम आगे पढ़ेंगे। हम आगे कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हाउ CSS कैस्केड, ये हमारा जो है ना ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा,
ठीक है, सेलेक्टर हमने भी चार पढ़े, ये बाकी भी ऑलमोस्ट आसान से ही हैं, बिल्कुल सिंपल से हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे तीनों सेलेक्टर बचे हुए जो हैं तीन चार, उसके बाद यहाँ से हम अपनी अगली जो क्लास होगी ना उसको यहाँ से आगाज़ करेंगे। ठीक है जी, चलें।